हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत। आज मैं फिर से वापस आ चुका हूं एक इंटरेस्टिंग ईडीएस ट्यूटोरियल को लेकर के, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो वेडिंग में इन दिनों में ब्राउन टोन चल रही है, वो ब्राउन टोन आप कैसे ईडीएस के अंदर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एस लॉग वीडियो शूट करते हो या कोई भी और अदर कलर प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप ब्राउन टोन कैसे क्रिएट कर सकते हो। इन दिनों में जो ब्राउन टोन वीडियोज हैं, वीडियो जो कलर ग्रेडिंग वाले वीडियोज हैं, वो काफी ज्यादा इंटरनेट पे पॉपुलर है। वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर ये कलर टोन स्पेसिफिकली ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तो बात करेंगे हम इस वीडियो में कि किस तरीके से किया जा सकता है। मैंने इस वीडियो का जो रेफरेंस है वो लिया है साजन मदान जी की वीडियो से। साजन मदान ने रिसेंटली डाला था प्रीमियर प्रो में कैसे क्रिएट किया जाता है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ ईडीएस में कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज ईडीएस में प्रोसेस जो है वो ऑल टुगेदर टोटली डिफरेंट है। क्विकली समझते हैं किस तरीके से ब्राउन टोन कलर को ऐड किया जाता है आपकी वीडियो क्लिप्स में। सो अभी आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नजर आ रही होगी, हम ईडीएस को ओपन करेंगे, ठीक है। और ये ईडीएस 11 डाला हुआ है बाय द वे मेरे लैपटॉप में मैंने, बट अगर आपके पास में ईडीएस 8 9 या 10 कोई भी होगा उसके अंदर आपका काम इजिली हो जाएगा, सेम प्रोसेस चलेगा आपका उसके अंदर ना। अभी ईडीएस हमारे सामने ओपन हो गया है, ठीक है। ये कैंसिल किया मैंने और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट करा हुआ है ब्राउन टोन वाला। आप भी इस प्रोजेक्ट, मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, बट मैं हाल फिलहाल यही प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। मेरी टाइमलाइन दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ब्राउन टोन इमेज जो है वो क्रिएट की थी। फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि किस तरीके से ब्राउन टोन को क्रिएट किया जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये है मेरी एस लॉक क्लिप। सो अगर मैं ये हटा दूँ, एडजस्टमेंट लेयर हटा दूँ, तो एज यू कैन सी दिस इज माई एस लॉक क्लिप। इसके ऊपर मैंने एडजस्टमेंट लेयर लगा रखा है, ये रहा, ये एडजस्टमेंट लेयर है मेरी जिसके ऊपर करेक्शन अप्लाइड है, और उसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो ब्राउन टोन वाला जो है वो कलर मैट अप्लाई किया है। अब कैसे ये करते हैं, पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ आपके सामने से, ठीक है। दो अलग अलग टाइप की क्लिप आपको नजर आ रही है, एक जो है वो स्टूडियो में शूट हुई हुई क्लिप है और एक आउटडोर वेडिंग सिचुएशन की क्लिप है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पे ना वीडियो जो टाइमलाइंस हैं वो चार, मिनिमम चार ऐड कर लेना, ठीक है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट मैं मिनिमम चार ऐड करने के लिए बोलता हूँ। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो है वो एस लॉग फुटेज नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करेंगे। ये जो एडजस्टमेंट लेयर वाला प्रोसेस है ना यार, ये प्रोसेस आपको ईडीएस 11 में जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ईडीएस 10 में हमें एडजस्टमेंट लेयर नहीं मिलती है। उसके लिए फिर आपको जो है वो ओपेसिटी चेंज करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट अगर आप पहले EDS 11 में देखें तो कैसे हो सकता है, आप न्यू क्लिप में जाइए, एडजस्टमेंट लेयर को अप्लाई करिए, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर लग गया हमारा ये। अब इस एडजस्टमेंट लेयर पे सबसे पहले हमें बेस कलर करेक्शन करना है। उसके लिए हम जो है वो कलर इफेक्ट में आएंगे, प्राइमरी टूल पे आएंगे, प्राइमरी कलर कलेक्शन कलर करेक्शन अप्लाई कर देंगे, डबल टैप करेंगे और यहाँ पे आकर के हम जो है वो लट यूज करेंगे। बेसिकली आपको जो है वो रैक 709 वाली जो लट है वो बाय डिफॉल्ट मिल जाती है ना। आप जैसे यहाँ पे देखोगे एरी लट है, ये सारी लटें आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। यहाँ पे सोनी का रैक 709 का भी लट आपको मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है, रैक 709। बट मैं जो रेकमेंड करूँगा ना, आप मेरी लट ट्राई कर सकते हो। ये लट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड करी हुई है और आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे आपको जो है मेरी लट्स मिल जाएंगी। तो मैं ये वाली लट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे सोनी एस लॉग 3 लट प्लान सिनेमैटिक वाला, एरी वाला, ठीक है। हम नीचे जाते हैं वापस, तो यहाँ पे मैं जो है मेरी लट अप्लाई करूँगा विच इज़ नेचुरल, ठीक है। ये अप्लाई कर दिया, हल्का सा ब्राइटनेस एडजस्टमेंट करना होगा हमको, ठीक है। वो मैंने एडजस्टमेंट कर लिया और मैंने ओके कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ब्राउन टोन चाहिए। अब ब्राउन टोन के लिए हमें कलर मैट क्रिएट करना पड़ेगा, और कलर मैट के लिए हमें ब्राउन टोन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा ब्राउन टोन कलर पैलेट, और आपको ये वाली जो पिक्चर है वो दिखेगी, इसको सेव कर लेना है ना, राइट क्लिक करके और सेव कर लेना इसको अपनी डायरेक्टरी के अंदर। फिर आप वापस सॉफ्टवेयर में जाना, यहाँ पे राइट क्लिक करना, न्यू कलर मैट, ठीक है। कलर मैट में यहाँ पे आएगा कलर, हम लोगों को पिकर टूल लेना है। पिकर टूल से पहले मुझे वो इमेज यहाँ टाइमलाइन पे डाल लेनी है, तो मेरे डाउनलोड्स में यही ब्राउन टोन वाली इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। मैं इसको मेरी टाइमलाइन पे एक बार डाल दूंगा ताकि मैं कलर मैट से कलर पिक कर सकूँ। एक बार मैं इसे कैंसिल करता हूँ, फाइल डाउनलोड्स, ये हम गए, हमने ये टाइमलाइन पे डाल दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे अपना कलर मैट क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, न्यू कलर मैट, न्यू कलर,
सो आप आओ टाइमलाइन पे, यहाँ पे हमको ये वाला जो है वो सॉफ्ट ब्राउन कलर चाहिए। पिकर टूल लिया और हमने यहाँ से ये कलर टोन पिक कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कलर मैट बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब ये जो इमेजेस की नीड नहीं है इसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग। इसको हमें एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको हमें एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर रखना है और अब इसे हमें ब्लेंड करना है। ठीक है, ब्लेंड हो जाए ताकि अच्छे से वो टोन चढ़ जाए हमारी क्लिप के ऊपर। ब्लेंड करने के लिए हम लोग जो है वो इसी में इफेक्ट टूल्स में यहाँ पे जो है वो कीज में आएंगे। कीज में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड में हमें चाहिए सॉफ्ट लाइट। इसको लिया, इसके नीचे लगाया और हमारा जो ये है ब्लेंडिंग हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो ब्राउन टोन ऐड हो गया है हमारे वीडियो के अंदर। ठीक है, बट अभी क्या है, शेडो बिल्कुल खत्म कर दिया है इसने। अब शेडो एडजस्ट करने के लिए हम वापस एडजस्टमेंट लेयर में आएंगे और यहाँ पे एक और प्राइमरी कलर टूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्राइमरी कलर टूल अप्लाई हो गया नया। इसको जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे टैप करेंगे, यहाँ पे हम लोग आएंगे, हमारे पास में लिफ्ट है जो कि बेसिकली बेसिकली शेडो में ही काम करता है, शेडो को इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो हम लोग इसको जो है वो डिक्रीज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एज पर दी लाइटिंग हमको डिक्रीज करना है, ज्यादा डिक्रीज मत करना क्योंकि यहाँ पे पैचेस बनने लग जाते हैं ब्लैक लेवल पे। और ईडीएस में सर्टन लिमिटेशन है जो कि प्रीमियर में हमें थोड़ी अच्छी दिखने को मिलती है। प्लस ये जो है वो 8 बिट वीडियो है, अगर 10 बिट वीडियो होगी तो और ज्यादा बेटर वे से काम होता है। तो थोड़ा सा ना ज्यादा मत करना, जैसे मैं हल्का सा एडजस्ट करता हूँ इसको, फिर इसके बाद में नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा और यहाँ पे हमें शेडो वाला टैब देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको भी हम लोग नीचे आए, सॉरी, शेडो वाला टैब देखने को मिलेगा, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे हल्का सा। ठीक है, और ओके हिट कर देंगे तो हमारी ये ब्राउन टोन वाली क्लिप यहाँ पे झटपट रेडी हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सिनेमैटिक लग रहा है। ये टोन ना बहुत पॉपुलर है वेडिंग इंडस्ट्री में इन दिनों में, और मैं 100% रेकमेंड करूंगा इस टोन को, आप ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे सीन की तरफ देखें तो अब हम अपना एडजस्टमेंट लेयर कॉपी, और यहाँ पे वैसे तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो पर पेस्ट कर दीजिएगा, रीजन बिकॉज जैसे ये जो लाइटिंग सिचुएशन में शूट की गई है तो ये हल्की सी ओवर एक्सपोज्ड इमेज है ये वाली जो क्लिप है। बट इसी जगह जो ये वाली क्लिप है ये स्टूडियो में शूट की गई है, लाइटिंग सिचुएशन अलग था तो ये हल्की अंडर एक्सपोज क्लिप है। तो इसमें हमें बस इतना ही देखना है कि जो हमारी प्राइमरी कलर टूल में जहां पे हमने एक्सपोजर करेक्शन किया था उसमें हम चले जाए, वो हमारा ये वाला था ऊपर वाला। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक्सपोजर ठीक कर लें अपना। ठीक है, एक्सपोजर ठीक हो गया और नीचे गए, यहाँ से हल्की सी लाइट एडजस्ट कर ली बिकॉज फेस के ऊपर ना वो पड़ रहा है, पैच पड़ रहा है। ठीक है, लाइट हमने एडजस्ट कर ली हल्की सी। ठीक है, और ओके हिट कर दिया और ये हमारी जो क्लिप है इस पे अब हम लोग ब्राउन टोन ऐड करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये हमारा ब्राउन टोन हमारी क्लिप में मस्त से ऐड हो गया, यू कैन सी। ठीक है, अब बिफोर आफ्टर देखें तो ये है, एडजस्टमेंट लेयर बढ़ा देता हूँ हल्की सी मैं। ठीक है, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट लेयर हल्की सी बढ़ा देता हूँ ताकि बिफोर आफ्टर देख पाए। तो ये था एस लॉग, ये लट लगाने के बाद कलर आया। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर ब्राउन टोन चढ़ा दिया, और यहाँ पे सेम ये था एस लॉग, ये लॉग कन्वर्ट किया हम लोगों ने और इसके ऊपर हमने ब्राउन टोन ऐड कर दिया। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से एडजस्टमेंट लेयर प्रोसेस को यूज करके आप ब्राउन टोन ऐड कर सकते हो अपनी क्लिप्स में। ठीक है, अब अगर आपके पास में EDS 11 नहीं है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ये एडजस्टमेंट लेयर आप डिलीट कर दो और जितना भी प्रोसेस है जो प्राइमरी कलर टूल्स है ना आप सीधे अपनी क्लिप में अप्लाई कर दो। जैसे मैं अगर इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ एडजस्टमेंट लेयर को, यहाँ पे हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे ब्रॉडकास्ट फिल्म ग्रेन गामा। ठीक है, ये ऐड हो गया और अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो है वो कलर मैट के ऊपर अप्लाई हो करके, और ये हमारा जो है वो ब्राउन टोन अब विदाउट एडजस्टमेंट लेयर भी एडजस्ट हो गया। पर अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको हर क्लिप के ऊपर जो है वो
जो प्राइमरी कलर टूल्स को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, 11 नहीं है आपका तो वो जो है वो एक प्रॉब्लम हो जाती है. EDS 11 में वो आपको एडवांटेज हो जाता है. अब टू बाय EDS 11 आपको करना क्या है, मेरी किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे जाना है, किसी भी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा EDS 11 के ऑफिशियल लाइसेंस को परचेज करने का और इवन EDS 10 के ऑफिशियल लाइसेंस को परचेज करने का. मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपके सामने मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी. EDS की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप EDS 11 के लाइसेंस को 19,200 रुपए में परचेज कर सकते हो. EMI के ऑप्शन भी मिल जाते हैं वाया क्रेडिट कार्ड. साथ ही साथ जो मेरी लट्स थी उसे आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से जाके worldonhand.com पे, जहां पे आपको पूरा लट का सेट ऐसे कैसे मिल जाएगा और आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब HLG, सोनी, निकॉन, कैनन सबकी लट डाउनलोड कर सकते हो. दूसरा, मैंने मेरी प्लेलिस्ट ऐड करी हुई है डिस्क्रिप्शन में. सो अगर आप EDS के मल्टीपल, जैसे मैं हर महीने 2 वीडियोस EDS पे डाल रहा हूँ, तो EDS के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने हिंदी में. सो आप हिंदी के जो ट्यूटोरियल्स हैं सारे के सारे वो यहाँ से देख सकते हो. जितने भी आज तक मैंने लगभग 50 से ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं और उन 50ों की वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पे आप हर एक चीज को देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है, उसके बेस पे आप क्विकली सीख सकते हो थ्रू दिस यूट्यूब प्लेलिस्ट. तो आप जाके इस प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करेगा. सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. आई होप आपको जो ब्राउन टोन ट्यूटोरियल है वो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कैसे लगा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून गाइज एंड कीप शूटिंग.